नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की टिकोला शुगर मिल में गन्ना लेकर जा रहा ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रोले ने रोडवेज बस में टक्कर मार दी, जिसमें रोडवेज क्षतिग्रस्त हो गई। रोडवेज चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को खेत में उतार दिया, जिसके चलते बस में सवार दर्जनों यात्रियों की जान बच गई। बाद में जेसीबी की मदद से बस को खेत से बाहर निकाला गया। लगातार हादसों के बाद भी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रोलों से गन्ना सेंटरों से उठवाने की टिकोला मिल प्रबंधन की हठधर्मिता जारी है। लगातार लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते पुनः एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। बुधवार की देर रात्रि एक चालक ट्रैक्टर ट्रोले में ओवरलोड गन्ना लेकर सलारपुर से टिकोला शुगर मिल जा रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर ट्रोला पानीपत खटीमा राजमार्ग पर गांव मुझेड़ा के समीप बन रहे टोल प्लाजा के पास पहुंचा, तभी ट्रोला चालक की लापरवाही से ट्रोले की भिड़ंत सामने से आ रही एक रोडवेज बस से हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रोला गलत साइड चल रहा था, तथा वह चालक के नियंत्रण से बाहर होकर रोडवेज में जा घुसा, जिससे रोडवेज बस की एक साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान बस चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को सड़क किनारे बने खेत में उतार दिया, जिसके चलते बस में सवार दर्जनों यात्री बाल बाल बच गए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रोले को कब्जे में लेकर बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस से उनकी मंजिल की ओर रवाना कर दिया, जिसके बाद जेसीबी मशीन से रोडवेज को बाहर निकाला गया। और मीरापुर व रामराज क्षेत्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद भी ओवरलोड वाहनों का संचालन धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।